आपसी अनुभव आप आप दोनों दोनों से से सवाल है। से सवाल है। है कि इस मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का रेडिकलाइजेशन चल रहा है और जिस तरह से एक पूरे कॉम पर तोहमतें लगाई 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 जाती है कि अगर कोई घटना हो जाए इस देश में एक पर्टिकुलर कॉम को ब्लेम किया जाता है और एक ही ब्रश से सबको पेंट किया जाता है तो तापसी मैं जानना चाहूंगा कितना डिस्टर्बिंग आपके लिए है ये बात कि हम सबको ब्लेम करते हैं अगर कोई छोटी सी घटना हो जाती है क्या कहेंगे आप एक्चुअली बहुत डिस्टर्बिंग है हाँ प्लीज सर बहुत छोटी सी बात, बात कहनी है वो पुराने जमाने में अखबार में ना जब दंगे होते थे तो संप्रदाय का नाम नहीं लिखते थे आज वो दौर है जब एक हम uh, वो क्या बोलते हैं उसको स्पोक्स uh, पर्सन uh, वो टीवी पे मुल्ला शब्द का इस्तेमाल करता है मैं नाम नहीं लूंगा प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता एक राजनीतिक पार्टी के तो आज जब हम बात करें ना तो आप पर्दा खत्म हो चुका है पर्दा उठा के बात कीजिए किस कौम की बात कर रहे हैं आप द रूम राइट इन देंटर सो लेट सी दिलिफेंट अबाउट इस्लामिक टेररिज्म की बात होती है कोई घटना होती है तो पूरे कॉम को ब्लेम किया जाता है कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ इस तरह की बातें होती है तो ये बातें आप लोगों के लिए क्योंकि फिल्म का प्रीमाइज भी वही है तो ये बातें आप लोगों के लिए कितनी डिस्टर्बिंग है अगर रोजाना हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं बहुत डिस्टर्बिंग है इसलिए मैं बताती हूँ क्यों मैं इसका आंसर देती हूँ सबसे पहले तो एक, एक अपनी लाइफ से बताना चाहूँगी माई मैनेजर इज अ मुस्लिम माई ड्राइवर इज अ मुस्लिम माई हाउस हेल्प इज अ मुस्लिम अगर मेरे को डिस्टर्बिंग फील हो होना हुआ कि इन सब लोगों की प्रेजेंस में तो आई थिंक मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब रहूंगी दिन रात क्योंकि माई लाइफ इज़ रन बाय देम सो इट वॉज़ वेरी डिस्टर्बिंग टू रियलाइज के दिस इज़ हाउ अ पर्टिकुलर रिलीजन इज़ टारगेटेड सो एक तरह से मेरे को डिस्टर्बिंग था क्योंकि ये लोग लिटरली मेरी लाइफ का एक मतलब इनसेपरेबल हिस्सा है तो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था ये चीज़ इसलिए शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा फिल्म करने का कि अगर किसी को खड़ा होना चाहिए तो शायद आई थिंक आई वुड लव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये ये जो दहशत है जो डिस्टर्बेंस है जो मेरे दिमाग में थी ये उसको वेंट आउट करने का तरीका था ये फिल्म करना सो so, इतना डिस्टर्बिंग था मेरे लिए अनुभव आप क्या कर रहे थे मैंने जैसा बताया मेरे लिए तो इतना डिस्टर्बिंग था कि मुझे लगा कि फिल्म बनाई जाए टू बिगिन विद इट साउंड लाइक अगेंस्ट द दाइट बट टूडे द काइंड ऑफ Uh, response has become such a cliched word. Uh, and the uh, the kind of comments people are giving is uh, uh, so good that I'm happy that I made it. And uh, uh, yes, it, it disturbs me a lot. And it's not only about Hindu-Muslim, like I said. You know, we, we we've had these uh, clashes among. It's such a diverse country. It's such a big country.

उन सब बुरे इंसिडेंट्स के बाद सर नीचे झुकाया और बोला खुशी ढूंढनी है और आज आप देखें तो मतलब एक पूरा अस्सी का एक दौर था जिसमें हिंदू सिख राइट्स होते थे हमारे देश में और एक नए देश की परिकल्पना हो रही थी जो नहीं हुआ हमारी प्राइम मिनिस्टर मारी गए वो एक पूरा एक बड़ा लंबा और एक दिल्ली का एक चौरासी का एक बहुत दर्दनाक हादसा है पर आप देखें तो वो एक कम्युनिटी थी जिसने उस दे जस्ट पुट इट बिहाइंड देम एंड दे जस्ट थॉट नो we have to move on from here. we have to live happily ever after. they work hard. they enjoy life. they do what they do. i think other communities need to learn from them and understand that, okay, it's a diverse country. we had a fight, some unfortunate incidents, some tragic deaths. but we must move on. and this is what something, this is something that we don't do. and then we keep blaming it on, on political parties and their divisive politics and blah, blah, blah. but end of the day, it's us who get divided. so we, as the citizens of this Mulk uh, need to recognize that and correct it. Please subscribe to Viral Bollywood. Please like, share, and subscribe to Viral Bollywood. Subscribe. Please subscribe.